सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने नवी मुंबई की यंग जनरेशन को उनके टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए ये डांस और फैशन ओरिएंटेड कंपटीशन का आयोजन किया है। मेरी तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनको के इस काम में अच्छी सफलता हासिल हो। सब मदद करने को तैयार है। और दूसरी बात, जो यंग जनरेशन यहाँ पे नई मुंबई में एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ के आयोजकों ने उनको उपलब्ध करके दिया है, मैं सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने इसकी इस जो अपॉर्चुनिटी मिली इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा लेना चाहिए और अपने टैलेंट को शो करना चाहिए और यहीं से एक अच्छा टैलेंट उभर के आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सर, इसी तरह के यंग जनरेशन के टैलेंट देखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी बात, सबने अच्छा कि राजीव कविता जो है मेरे दोस्त भी है, उन्होंने जो कार्यक्रम उनके बच्चे के इसमें किया कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को इससे सहायता मिली। सर, यहाँ पर जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहते? जो फैशन डांस इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे फैंटेस्टिक ऑर्गेनाइज इवेंट्स जो रियल टैलेंट को ढूंढ के निकालना है ईसा प्रोग्राम के माध्यम में, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव से स्टेप से जो मेरा दोस्त ने राजेंद्र कुलकर्णी जो दिए हैं, एक्चुअली रियली इट्स ए वेरी प्रेजवर्थी थिंग्स। तो ये जो 2016 इवेंट जो है उसके साथ दी रियल टैलेंट्स, ऐसा बहुत सारा टैलेंटेड पर्सनस है जो अभी मुंबई में जो उनका विकास नहीं हो पा रहा है, ये माध्यम में जो हो रहा है बहुत रियली। मनीष मौर्या और सत्यप्रकाश मौर्या, इन्होंने मिलकर ये ब्लिस 2016 का आयोजन किया और इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि नई मुंबई में कुछ तो एक अलग कंसेप्ट लाया जाए जिसमें से यंग क्राउड और जो जिनको हुनर अपने दिखाने की जो इच्छा है वो हमारे माध्यम से नवी मुंबई तक पहुंचाया जाए और उनको हम लोग बहुत ही मतलब इसमें कोई इनकम कमाने या उससे जरिया नहीं है कि हम लोग कुछ ये कर रहे हैं, उल्टा हम लोग उनको बहुत सी चीज से मोटिवेट कर रहे हैं कि बाबा आप लोग आ जाइए, आपको नवी मुंबई पूरा बॉम्बे तक आपका टैलेंट आपका दिखाया जाए और इसका बेनिफिट आपको आगे इन फ्यूचर में कोई मूवीज हो या कोई कॉन्टेस्ट हो उधर मिले उन लोग का। आपके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हर अलग अलग डिफरेंट इससे हम लोग ने इन्वाइट किया इन लोग को, तो प्रक्रिया क्या अपनाया है? नहीं, सब जगह से हम लोग ने जजेस लोगों को बुलाया, वो लोग ही कंटेस्ट को फिनल लेके जाएंगे। जैसे और इस प्रकार के बहुत सारे आए, किसी कंटेस्ट को हम लोग चूज करें या ये करें वो सब जजेस के ऊपर डिपेंड है और जजेस हर डिफरेंट ये है और प्लस हम लोग पब्लिक फिनाले में पब्लिक वोट्स के लिए भी जाने वाले हैं। नई मुंबई में एजेंडी फाउंडेशन ऑर्गेनाइज किया है, इसमें बहुत सारे डांस इंस्टीट्यूट पार्टनर, फैशन इंस्टीट्यूट पार्टनर्स है जो सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोग ऑल ओवर नई मुंबई के बेस्ट टैलेंटेड पीपल बुला रहे हैं, हम उनको जज करने का एक फॉर्मेट बनाया है, जैसे एक जजिंग पैनल बनाया उसके लिए, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी दिया जाएगा, एक मतलब टोटल रूल्स और रेगुलेशन के साथ उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? पहले हमने इसमें बहुत सारे काम किए, छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज बनाई और ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है जिसमें मिस्टर एंड मिसेज न्यू मुंबई हम टैलेंट सर्च कर रहे हैं, डांस पार्टिसिपेंट हमने सर्च किए हैं और इसमें से जो भी सिलेक्टेड लोग रहेंगे उनको हम फीचर मूवीज में लेंगे, फीचर फिल्मों में लेंगे। देखिए, टैलेंट तो बहुत बिखरा पड़ा है पूरी दुनिया में, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है एक आम आदमी को, एक आम पर्सन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। जगह जगह छोटी छोटी प्लेसेस पर अगर ऐसे प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर सके, क्योंकि बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो टीवी के बड़े बड़े शोज में नहीं जा पाते, तो हमने ऐसे न्यू मुंबई में ऐसा ही पहला बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें एक नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी हमें अप्रोच करके अपने टैलेंट को शो करके बहुत आगे जा सकता है। तो बिल्कुल ऑफकोर्स कमल कीचड़ में ही खेलता है, लेकिन उस कमल की देखभाल भी करनी पड़ती है। अगर हम देखभाल नहीं करें तो क्या होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े परिंदे उस पर झपट्टा मार के उस कमल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारा क्या काम है, कीचड़ तो है और कमल भी खिल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उन कमल की देखभाल कर रहे हैं ताकि वो बहुत खूबसूरती से खिले और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए। Come on, walk up the ramp. Can we have music, please?
I'm just here.